ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे भारत के गणितज्ञ की फ़ोटो लेके आया हूँ जिन्होंने देश विदेश में बहुत नाम कमाया और इनके जो फार्मूले हैं आज तक हम यूज़ कर रहे हैं और आज तक ये रिसर्च चालू है। तो ये है श्रीनिवासा रामानुजन। जी हाँ, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। ये शुरुआती दौर पे इन्होंने बोलना जो है 3 साल में सीखा और इसके कारण इनको इनके माँ बाप को चिंता होने लगी थी कि ये बोल भी पाएंगे कि नहीं शुरुआत में। फिर इनका जो है 10 साल की उम्र में इन्होंने प्राइमरी में अच्छे अंक प्राप्त करके वहाँ पे टॉप किया। फिर इनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई और 10वीं तक इन्होंने अच्छा पढ़ाई किया। 11वीं में इनका पूरा ध्यान गणित की ओर लग गया जिसके कारण दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान ना देने के कारण ये फेल हो गए और फिर 12वीं जो है प्राइवेट परीक्षा दिया तो भी ये पास नहीं हो पाए। अब ये गणित ही बनाते थे और इनका एजुकेशन नहीं हो पाया। फिर अपने इनको नौकरी की ज़रूरत पड़ी, यहाँ वहाँ जाते थे, ये नौकरी मिलती नहीं थी क्योंकि इनके फार्मूले लोगों को समझ में नहीं आते थे। फिर एक प्रोफेसर हार्डी जो थे इनके द्वारा, जो कि गणितज्ञ में कुछ विशेष रुचि थी उनकी, उनके द्वारा इनको अच्छा समर्थन मिला और इनको वहाँ पे यूके में जॉब मिली और वहाँ पे इन्होंने अच्छा मतलब जो है गणित के 3884 फार्मूले जो है इन्होंने दिए। तो अब ये जानेंगे कि किस तरह के योग इनकी कुंडली में थे जिस कारण ये गणित के इतने बड़े जो है आविष्कारक बने और इतने बड़े बने। नॉर्मल एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे श्रीनिवासन रामानुजन जी की ये कुंडली देखिए, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न में गुरु और बुद्ध की दृष्टि पड़ रही है। बुद्ध जो है बुद्धि के कारक, गुरु जो है ज्ञान के कारक, दोनों की दृष्टि वहाँ पर इनके लग्न व्यक्तित्व में पड़ रही है। और लग्नेश शुक्र है जो कि एक देव असुरों के गुरु हैं। यहाँ पे छठम रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं तुला राशि में, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, इस कारण ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत परिस्थितियाँ इनके जीवन में आई और इस कारण ये जो है स्ट्रगल किया और उसके कारण उसके बाद रिजल्ट इनका राजयोग टाइप से बना। अब हम बात करते हैं इनके धन भाव की। धन भाव के स्वामी बुद्ध थे जो कि यहाँ पे केंद्र में बैठे हुए हैं। पराक्रम की बात करते हैं, शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की नौमी दृष्टि पड़ रही है। गुरु जहाँ भी दृष्टि डालते हैं उस भाव को अच्छा कर देते हैं, इस कारण इनका पराक्रम काफ़ी अच्छा था और शनि जहाँ पे बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, इसलिए इनका पराक्रम बहुत अच्छा था। अब इनके चतुर्थ भाव की हम चर्चा करेंगे। तो चतुर्थ भाव में देखिए यहाँ पे सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, अष्टम भाव में बैठ गए। इन्हें सुख सुविधा भूमि माता मकान, इसमें जो है इनकी जो है अष्टम भाव में सूर्य के बैठ जाने के कारण इसमें कमी थी। अब हम बात करते हैं इनके विद्या भाव की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनका विद्या भाव किस तरह था। देखिए कन्या राशि है, मंगल बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो देखिए वृश्चिक राशि है, बुध बैठे हुए हैं। तो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। राशि परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, केंद्र त्रिकोण का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो जब भी केंद्र त्रिकोण का राशि परिवर्तन होता है वो भी बुध के कारण, तो बुध जो है गणित के ही कारक है, बुद्धि के गणित के कारक है और इसलिए ये बुद्ध की महादशा में इन्होंने पूरी बुद्ध की महादशा में इन्होंने जो है गणित के फार्मूले दिए और गणित में आविष्कार किया। तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण परिवर्तन राशि योग बन रहा है। विद्या का व्यापार भाव से, व्यापार का जो है विद्या भाव से, या ये बोलेंगे यहाँ पे इस भाव के जो के कारक हैं वो बुद्ध हैं और बुद्ध गणित के कारक हैं। तो गणित का कारक का ज्ञान से और ज्ञान का गणित के कारक से जो है मतलब राशि परिवर्तन हुआ, इस कारण इन्होंने गणित के बहुत सारे आविष्कार
फॉर्मूले दिए। छठम भाव को तो बता ही चुका हूँ, यहाँ रोग ऋण सत्तु का भाव है और यहाँ पे जो है इस कारण जो है इनका विपरीत राजयोग यहाँ पे रहा। व्यापार और बुद्धि और उसका बिजनेस का बुद्ध बैठे हुए हैं और बुद्ध गणित के कारक हैं गुरु के साथ, तो ये भाव भी इनका जो है अच्छा रहा क्योंकि राशि परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है। अष्टम भाव में की चर्चा करें तो अष्टम भाव में यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, तो मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ने के कारण ये भाव सूर्य और मंगल गुरु के घर में पड़ रही है, तो ये मित्र घर के घर में पड़ रही है, तो इस कारण ये भाव अच्छा रहा। इनके भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य में देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे केतु बैठे हैं, यहाँ पे जो है मकर राशि है और शनि की दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर में। जब शनि की दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है तो शनि के कारण इनका भाग्य जो है बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि शनि की अपने घर में दृष्टि पड़ रही है इस कारण इनका भाग्य बहुत अच्छा हुआ, साथ में राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कर्म भाव की, तो कर्म भाव के स्वामी यहाँ पे मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि पराक्रम में बैठे हुए हैं, तो इनका कर्म जो है इनका पराक्रम से रिलेटेड था। और इनके लाभ भाव की बात करते हैं, यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा जो है इस मीन राशि के स्वामी गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है गुरु के घर में, मित्र राशि के घर में। और यहाँ विदेश भाव में देखिए, विदेश भाव में मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी जो है मंगल है और मंगल की आठवीं दृष्टि जो है अपने ही घर में पड़ रही है, तो इस कारण जो है इनका विदेश भाव काफ़ी अच्छा था क्योंकि तो मंगल की अपने घर में दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छा था। तो इस तरह ये सारी कुंडली के भाव के कारण मतलब जो है इनकी कुंडली बहुत ही अच्छी थी और बुद्ध की दशा में इन्होंने जो है बहुत सारे आविष्कार किए पूरे जीवन में। इनकी जो 1887 को जन्म और 1920 को इनको इनका अंत हुआ। तो यहाँ पे देखने की बात ये है कि जब केतु की दशा आई तो भी इनका इस तरह से दुनिया से ये चले गए, इतना सारा फार्मूला देखिए। तो इस तरह की जो कुंडली है ये बहुत ही मतलब जो है ये बताती है किस तरह के योग होने के कारण से किस तरह का आदमी जो है स्ट्रगल और कितना बड़ा जो है फार्मूले दिए और जिसका यूज हम लोग आज तक कर रहे हैं। तो ऐसे महान पुरुष की कुंडली जिसके कारण हम जो है जो आने वाले समय में जो इसका यूज होता रहेगा, तो इस तरह आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करिए कि किस तरह के योग आपकी कुंडली में हैं और उसे देख के आप अपने करियर को आगे बढ़ाइए ताकि आपको सही डायरेक्शन मिल सके। और कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।